मंगलवार को युवा सेना वाड़ी की ओर से वार्ड क्रमांक 14 समर्थ गजानन सोसाइटी की एक महिला की वाड़ी शहर में बढ़ते डेंगू के कारण जान चली गई। डेंगू की वजह से यहां कई बच्चे और युवा भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए युवा सेना वाड़ी के पदाधिकारियों ने वार्ड नंबर 14 समर्थ गजानन सोसाइटी का दौरा किया और पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार और क्षेत्र के निवासियों ने कहा कि बार बार वाड़ी नगर परिषद और मुख्य अधिकारी जमा प्यारे वाले को ज्ञापन देने के बावजूद उन्होंने हमारी समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया, लेकिन आज जो महिला आज हमारे क्षेत्र में उनकी लापरवाही के कारण मर गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी वाड़ी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के पास है, जिसके जिम्मेदार जिम्मा प्यारे वाले और वाड़ी नगर परिषद है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए युवा सेना तालुका प्रमुख सचिन बोमले और युवा सेना के शहर प्रमुख शुभम डवरे ने वाड़ी नगर परिषद में इन मुद्दों पर ध्यान दिया। मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले को एक बयान जारी कर लोगों की समस्या को बताया और उनसे जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कुछ उपाय करने का अनुरोध किया। इस वक्त क्रांति सिंह, अमोल सुनसरी, प्रीतम निवारे, कुणाल बैलबोंडी, सुरजीत पारधी, मुकेश खरबड़े, निखिल गायकवाड़, शुभम पीसे, लखन राउत मौजूद थे। जय महाराष्ट्र। आज वाड़ी येथे वार्ड क्रमांक 14 समर्थ गजानन सोसायटी येथे डेंगूची खूप साथ वाढलेली आहे, तसे वाड़ी क्षेत्रात भी डेंगूची खूप साथ वाढली आहे। वाड़ी नगर परिषद प्रशासन कुठलंही लक्ष देत नाही। कुठल्याही वार्डात बराबर मच्छर फॉगिंगची मशीन नाही चालवत, काही नाही चालवत, आणि जनतेला खूप त्रास होत आहे। जेव्हापासून नगरसेवक नसले, आम्ही नगरसेवकाकडे गेलो, लोक नगरसेवकाकडे जातात तर नगरसेवक म्हणतात आम्ही आता पदावर आहे नाही, तर मग हे जबाबदारी वाडी नगर परिषद प्रशासनाची आहे, पण प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे। ते हे कोण जबाबदार राहणार आहे? आज एक व्यक्ती मेला, आज आजूबाजूला 5-6 घरं डेंगूचे आहे, तर याच्यावर कोण निर्णय घेणार? जर वाडी नगर परिषदने याच्यावर लक्ष दिलं नाही तर युवा सेना वाडीतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। लवकरात लवकर ह्या वार्डात येऊन भेट दिली पाहिजे। निश्चय ज्या नागरिकांना आहे त्यांच्या घरी घरी जाऊन भेट दिली पाहिजे, अन्यथा खूप मोठा तीव्र आंदोलन वाडी नगर परिषद समोर येईल अशी मी गवाही देतो। वाडी का नगर परिषद वार्ड क्रमांक 14 में राहता हूँ। ये घर बनाया नगर परिषद का पूरा सब जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, लेकिन हमारे जिम्मेवारी नगर परिषद नहीं देख रहे। यहाँ पर आज जो है हमारी मिसेज चली गई संडे को डेट कर गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद भी नगर परिषद को मैंने कॉल किया कि सर आके देखो, इधर इतना हर एक घर में डेंगू की मरीज है, लेकिन कोई वहाँ से आने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं है। पूरा बताने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हर एक साल की परेशानी है, हर एक साल में कोई मुड़ के देखने नहीं आते। आज ऐसा है कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इसकी मम्मी छोड़ के चली गई, हमारी दुनिया पूरा उजड़ गई। इसमें हम किसको जिम्मेवार ठहराए? अरे जवाब नगर परिषद को देना चाहिए कि हाँ जब हमारे अंदर है तो इसका जिम्मेवारी हमारी है, कि इसकी है या नहीं है तो वो भी क्लियर कर दे तो ठीक है, यहाँ से जैसा करना वैसा देखेंगे। आज जो है हर एक घर में एक डेंगू का पेशेंट निकल रहा है। ये हमारा छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, छोटी बच्ची है, आज प्लेटलेट 65 है इसका, ये भी पॉजिटिव है। एक लड़के इधर है, इसका भी 70 है, सबका है, छोटे छोटे बच्चे लोग जा रहे हैं, मिसेज की एज कुछ भी नहीं थी। जय महाराष्ट्र। आम्ही युवा सेना वाड़ी शहर शिवसैनिक सर्वे आज वार्ड क्रमांक 14 समर्थ गजानन सोसायटी इथे उपस्थित झालेला आहे। इथे उपस्थित होण्याचं कारण म्हटले तर वाडी नगर परिषदचं दुर्लक्ष। आम्ही आज या वार्डात आलेले आहे तर इथल्या वार्डातली ही समस्या आहे की वाडी नगर परिषदचे जे आहे अधिकारी ते या क्षेत्रात काहीच लक्ष देत नाही। अनेक वर्षापासून, मागच्या 2 वर्षापासून वाडी नगर परिषदला इथले जे रहिवासी आहे ते वारंवार त्यांना लेखी, फोन करून आणि अशा अनेक प्रकारच्या माध्यमातून त्यांना वारंवार कळवत राहतात की या क्षेत्रामध्ये पावसाळा आला की इथे अनेक समस्या उत्पन्न होतात। जसं आता तुम्ही पाहू शकता इथे भरपूर मच्छर आहे, त्या हिशोबाने इथे या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक घरी कमीत कमी एक डेंगूचा पेशंट निघतोच। आणि आज तर इथे काही 3 दिवसाआधी अशी घटना घडली आहे की नुकत्या 27 ते 28 वर्षाच्या महिला यांची मृत्यू झालेली आहे। तर आम्ही त्याच गंभीर परिस्थितीला घेऊन आज आम्ही इथे भेट द्यायला आलो आहे। तर इथल्या रहिवासीशी आपण भेटूया आणि त्यांच्याकडून त्यांची माहिती काढून घेऊया की त्यांना काय प्रॉब्लेम आहे। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।